इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज और एक हमने मेडिकल कैंप किया है खंजर गली में, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर साहिबा के तीनों ने अपना वक्त दिया है यहाँ पे, और मुजम्मिल भाई ने और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है सुबह से। हम यही चाहते हैं कि हर मोहल्ले से हर एक ला के अपनी तबीयत डॉक्टर साहब को दिखाए। ऐसे हो रहा है कि सिर्फ खांसी या ज़ुकाम होने से भी लोग डर के घर पे हैं। हम लोगों का एक खौफ निकालना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हर चीज़ कोरोना नहीं है। और आप अगर आके सही टाइम पे अपना इलाज करवा लेंगे और खुदा ना करे कुछ आगे भी बीमारी होंगी और उसको वक्त पे आप इलाज लेंगे, वक्त पे दवाई लेंगे, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके आगे हम जीत नहीं सकते। जैसे मैं हमेशा कहता जा रहा हूँ, कोरोना को मारने के लिए, उसके चेन तोड़ने के लिए मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथ को हमेशा साबुन से धोते रहिए और डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए। अंजुमन इस्लाम और अंजुमन इस्लाम की पूरी टीम जो दिन रात मेहनत कर रही है, वो हमेशा हर एक ले के साथ में है, हर एक ले के काम में आएगी। आप इत्मीनान रखिए, ये बीमारी ज़्यादा वक्त नहीं रहेगी अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो। मैं और एक बार डॉक्टर्स का और यहाँ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज अंजुमान की जानिब से और रहनुमा एजुकेशन की जानिब से यहाँ खंजर गली में मेडिकल कैंप रखा है। सब लोग इसका, सबसे गुजारिश है कि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएँ। और इसके साथ ही साथ जो हमारे जो डॉक्टर साहब, जो हमारे डॉक्टर मुजम्मिल की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन के अंदर कोई भी डॉक्टर आ रहा नहीं था, देख रहा नहीं था। उस टाइम में डॉक्टर मुजम्मिल ने आके यहाँ जो खिदमत दी है वो तारीफ़ काबिल है। उसके साथ में हमारे जो डॉक्टर शैलेंद्र, उनके वे जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पे एक भी डॉक्टर कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं था, सब क्लिनिक बंद थे। उस टाइम में डॉक्टर शैलेश, जो लाइफ केयर के नाम से हॉस्पिटल जाना जाता है, उनके बहुत खिदमत, और ऐसे डॉक्टर मिलना बहुत कम है। क्योंकि मैं खुद देखा कि डॉक्टर साहब से मैं मिला, पर्सनल उनसे बात किया कि ऐसे ऐसे पेशेंट्स थे हमारे पास कि जितने भी पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन क्लिनिक ओपन नहीं थे। उस टाइम में डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा कि डोनी साहब, मैं जो है ये पैसे के लिए नहीं कर रहा, मेरे को एक रुपये भी नहीं चाहिए, ये जो मैं खाली मेरे भगवान को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। तो डॉक्टर शैलेश की मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ में हमारे जो कादर भाई, जो अलिकरा से, अलिकरा जो कमेटी में है, कभी भी कादर भाई को रात में 1 बजे हो, 2 बजे, कितने भी रात में हो या दिन में हो, कभी भी फ़ोन करें तो वो फ़ोन उठाते हैं। और उनकी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है कि कादर भाई जैसा वर्कर आज बेलगाम में बहुत कम मिलता है। मैं कादर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ अंजुमान जो काम कर रही है, जैसे राजू सेठ साहब, समीला महड़ियाले साहब, उसके बाद अशफाक गोरी, राजा मुल्ला, अमीन भाई है से, और उसके साथ में जो दफनाने का काम जो कर रहे हैं हमारे तबरेज भाई, और जो गुसुल का काम हमारे मुदस्सर भाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात मैं बोलना भूल गया कि मेरे और भी जितने भी वार्ड हो या सिटी हो या बेलगाम नॉर्थ साउथ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में या जितने भी लोग हैं, मेरे सबसे गुजारिश है कि जैसा आज खंजर गली में मेडिकल कैंप का इंतज़ाम किया है, वैसे भी किसके भी अगर रिक्वायरमेंट एरिया में रखने का है तो मुझे या अंजुमान से वो रफ्ता कायम करें, एरिया के अंदर हर मेडिकल कैंप करके लोगों के अंदर जो डर है, और ख़ास करके
ये जो डर है, हर एरिया के अंदर अगर मेडिकल कैंप का इंतज़ाम करेंगे, जैसा बाबुन गली में हुआ, आज खंजर गली में है, हर एरिया में एक एक एरिया वाइज कैंप करें। और इसके साथ में मेरे रहनुमा एजुकेशन की जो टीम है, जैसा कि हमारे आतिफ भाई, जुनेद भाई, इमरान भाई और मुहिब भाई और अरमान, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिल लगा के काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के जो माहौल जो चल रहा है, डर और खौफ का माहौल, एक बहुत बड़ी बीमारी की वजह से लोगों में दहशतगर्दा पैदा हुआ है। आज जो ये कोरोना के नाम से, कोविड-19 के नाम से जो वबा और बीमारी फैली हुई है, तो इससे लोग बहुत सारे घबराहट की वजह से दो चार हो रहे हैं। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस बीमारी को अगर किसी के जम्मे आ गई है तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये कोरोना वायरस जो है एक मामूली फेवर है, अगर जल्दी हम इसको डॉक्टर के पास फर्स्ट स्टेज में इलाज करा के लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ और दवाओं के साथ में हम शिफा हो सकती है और हम अच्छे बनकर पहले जैसे थे वैसे ही हो सकते हैं। हमारे साथी कॉर्पोरेटर फिरदो दरगाह साहब का 2 दिन पहले इंतकाल हुआ। बहुत अफसोस की बात है कि वो 2007 से लेकर 2012 तक मेरे साथ कॉर्पोरेटर है। 5 साल उनके साथ में बहुत कुछ हमें सीखने मिला। कभी भी वो मेरे सीनियर कॉर्पोरेटर थे, मैं जूनियर कॉर्पोरेटर था, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें मुजम में ऐसे काम करो, ऐसा करो करके कभी भी हमें बढ़ने का काम ये दिया। कभी भी 5 साल में एक भी ऐसा उनका और हमारा मौका नहीं आया कि उनकी और हमारी अनबन हुई। सबको साथ में लेके चलने वाला आदमी, और सिर्फ पुआड़ के लिए नहीं, पूरे बेलगाम के वास्ते वो काम करते थे। ऐसा एक लीडर हमारे बीच में से चला गया। मैं दुआ करता हूँ और अल्लाह से हमारी दुआ रहे कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और उनके घर वालों को सब्र दे। बेड्स की ज़रूरत है, यहाँ भी बेड्स की ज़रूरत है, वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इनका सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को इससे कैसे शुक्रिया अदा करूँ, ये बोलने के लिए बहुत बहुत। और एक बात उसमें खास कर एक बोलने की बात यह है कि हमारे डॉक्टर शैलेंद्र साहब बगैर किसी पैसे के, कोई फीस न लेते हुए ये अपने खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, तो हम तमाम बेलगाम वालों के जानिब से बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज यहाँ पर अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप मुनक्कद किया गया है खंजर मोहल्ला में, और अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी हद तक मोहल्ले मोहल्ले में कामयाबी के साथ हो रहे हैं। जहाँ पर हर मोहल्ले में डॉक्टर्स जो है जिस मोहल्ले में रहते हैं उसी मोहल्ले में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। काफ़ी मेहनत है डॉक्टरों की भी जो पेशेंट को यहाँ पर देख रहे हैं। मैं तमाम हजरात का, मोहल्ले की जमात और मुजम्मिल डोनी साहब और जो यंग कमिटीज़ है उन तमाम हजरात का जो अंजुमन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मैं तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे जो है हमारे डॉक्टर साहब भी जो है इस पॉइंट के बारे में दो बात करेंगे। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया काजी सेठ जी, और जो अंजुमन के पूरे कमिटीज़ है उनका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुला के मुझे सम्मानित किया। मैं यहाँ पे 6 महीने से काम कर रहा हूँ लाइफ केयर हॉस्पिटल में, जब से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से एक दिन भी मैंने बंद नहीं किया है। 24 घंटे हम लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, बस इसीलिए कि गरीब लोगों को कहीं परेशानी ना हो, कहीं वो उनको कहीं दूसरी दिक्कत ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले तो मैं सब ख्वातीन को ही एडवाइस करूँगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जैसे अब ख्वातीन अगर हमारे घर की लेडीज़ ही प्रिकॉशंस लेंगी तो घर का माहौल भी प्रिकॉशन में रहेगा और जेंट्स को भी एडवाइस कर सकेंगे, अपने बच्चों को भी संभाल सकेंगी। और दूसरी बात ये है कि आप लोग डरे नहीं, पहली बात तो डॉक्टर सब लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, खास करके अंजुमन इस्लाम के सब जितने भी हमारी मदद कर रहे हैं वो सब लोग हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। और अगर कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को ज़रूर रिकमेंड करें और अपने आप को संभालने की और प्रिकॉशंस लेने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। आज का मेडिकल कैंप जो रखा गया है हमारे खंजर मोहल्ले में, हमारे इदारे से रहनुमा और अंजुमन जनाब राजू सेठ सदर साहब और हमारे मुजम्मिल डोनी भाई की ओर से, उसके वजह से लोगों को सब स्क्रीनिंग किया जा रहा है कोरोना का,
पल्स, सैचुरेशन, बीपी और जनरल चेकअप, सर्दी खांसी जुकाम स्क्रीनिंग किया जा रहा है। जो पेशेंट में थोड़े लक्षण लग रहे हैं, दिख रहे हैं, उनको मेडिसिन वगैरह कैंप की तरफ से फ्री दी जा रही है।